वेलकम सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप शिक्षक हैं? यस सर। सेकंड ग्रेड में? यस सर। कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है, जिसे आपको पढ़ाने में बड़ी रुचि होती है? सर मुझे इंडियन पॉलिटी को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अच्छा अच्छा आपने तो बबलू BSc किया है केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी से। यस सर। तो क्या आप क्या बनना चाहते थे? नहीं सर, मैं पहले मैंने ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ के बाद फिर मैंने प्री मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, लेकिन वहाँ एक साल मैंने तैयारी की, उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने BSc किया यहाँ से ग्रेजुएशन, और फिर मैंने BEd किया और मैं टीचर बन गया। पहले सर मैं डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर बनना चाहते थे, तो अब आप RS का इंटरव्यू दे रहे हैं। यस सर। और बनना डॉक्टर था? यस सर। लेकिन अब आप SDM बनने की ख्वाहिश में? यस सर। पिछले 2011 से आप शिक्षक हैं 12 से? यस। और लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वो इंटरव्यू आपका पहला है या पहले दे चुके हो? सर मैंने 2013 में भी दिया था RS 2013 में। अच्छा। लेकिन मेरा सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। आपके जो मेंस के 4 पेपर हैं, यस, उनको थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट पेपर में ये सब्जेक्ट आते हैं, सेकंड में ये, और थर्ड में ये, फोर्थ में ये? सर हम फर्स्ट पेपर में राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, और फर्स्ट पेपर में सर और सर आराम से वो अंकेक्षण वाला सेक्शन है, लेखांकन अंकेक्षण और सोशियोलॉजी वाला सेक्शन है, और सर सेकंड पेपर में एथिक्स वाला सेक्शन है और साइंस वाला सेक्शन है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, और सर उसमें खेल वाला सेक्शन सेकंड पेपर में ही है, और थर्ड पेपर में सर पॉलिटिकल साइंस है और विधि व्यवहार और विधि व्यवहार वाला जो सेक्शन है और योगा वाला सेक्शन है थर्ड पेपर में, और फोर्थ पेपर में सर हिंदी और इंग्लिश। पॉलिटिकल साइंस आपका पसंदीदा विषय है, तो शासन और प्रशासन, इन दोनों में क्या अंतर है? सर शासन नीति नियमों को बनाना शासन है, जबकि उन नीति नियमों का जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनका इम्प्लीमेंट करना, उनका क्रियान्वयन करना सर प्रशासन। और अनुसूची और अनुच्छेद, यस, दोनों में क्या अंतर आता? सर अनुच्छेद सर एक भाग के सब डिवीजन है अनुच्छेद, जबकि अनुसूचियां कुछ लिस्ट बनाई गई हैं संविधान में, जो 12 अनुसूचियां हैं उस अनुसार से उनको अलग सेक्शन में रखा गया है। अभी भारत में छोटे राज्यों की मांग पहले लगातार होती जा रही है, लेकिन अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जहां पर एक अलग राज्य की मांग काफी अखबार में आ रही है? सर उत्तर प्रदेश। क्या नाम है होगा उस राज्य का? सर अभी केंद्र सरकार का ऐसा अखबार में आया है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी मंशा है कि उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों में डिवीजन किए जाएंगे, एक पूर्वांचल और दूसरा सर अवध प्रदेश और तीसरा बुंदेलखंड। ये राज्यों का जो निर्माण होता है बोलू, यस सर, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? सर ये भाग 1 के आर्टिकल 3 में आता है। अच्छा अच्छा और इसकी प्रक्रिया के बारे में आप बताएंगे कुछ? यस सर बता सकते। सर इसके लिए जो संबंधित राज्य है वहाँ की विधानसभा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करे कि हमें इस राज्य का निर्माण करना है या राज्य का नाम परिवर्तन करना है या उसके क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करना है, और उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना चाहिए। उसके बाद वह प्रस्ताव सर संसद के लिए जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीट है? सर 400 गया 400। और यदि पूर्वांचल राज्य बन गया, यस सर, तो वहां के जो विधायक होंगे, यस, वो तो शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। और क्या परिवर्तन होगा उस विधानसभा में? सर वहाँ विधान परिषद का भी निर्माण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय विधानमंडल है, वहाँ विधान परिषद भी बनेगी। जो जो कैंडिडेट विधान परिषद में है
पूर्वांचल के, वो वहाँ की विधान परिषद में सेटल। विधानसभा के अध्यक्ष का कोई चुनाव होगा या स्वतः ही क्या होगा? सर विधानसभा अध्यक्ष के लिए वैसे तो सर वहाँ की जो विधानसभा होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो स्वयं में से ही एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अंतिम जो राज्यों का निर्माण हुआ था, बदलाव जो आए थे, वो कहाँ आए थे? सर जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा के उसे केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया। फिर लद्दाख क्या है? हाँ सर, जम्मू कश्मीर को दो भागों में, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में दो भागों में विभाजन कर दिया था उसका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अच्छा अच्छा, इससे पहले राज्यों का निर्माण कब हुआ था? सर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। कब की बात है ये? सर ये 2014 के आसपास है। चलिए, तेलंगाना की राजधानी? हाँ सर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अब ये पूर्वांचल राज्य का जो गठन होगा इसकी राजधानी कौन सी होगी? सर मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ लेकिन अनुमान लगा सकता हूँ। अच्छा हाँ बिल्कुल, सर गोरखपुर हो सकती है। अच्छा अच्छा, हो सकती है अभी तो। हाँ सर अभी मैं कन्फर्म नहीं। बबलू जी आप ये बताइए, ये जो संविधान का गठन हुआ था, संविधान बना था, जबकि इंग्लैंड में तो नहीं है। यस सर। और हमारे यहाँ पर लंबे समय से शासन अंग्रेजों के द्वारा चल रहा था। यदि ये संविधान नहीं बनता तो शासन का स्वरूप कैसा होता? सर यद्यपि ये जो भारतीय संविधान है वो जो जब अस्तित्व में आया था उससे पहले अंग्रेजों का जब शासन था वहाँ भी अंग्रेजों का जो जो वो रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे उसके अकॉर्डिंग शासन होता था। उससे पहले सर अगर हम मध्यकालीन और प्राचीन भारत की बात करें तो धर्मशास्त्रों के आधार पर जो भी धार्मिक नियम थे, धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ था, नैतिकता के जो नियम निर्धारित किए गए थे, उनके आधार पर राजा के द्वारा प्रशासन चलाया जाता था और उसके लिए वो एक धर्मामात्र की भी नियुक्ति करता था। धर्म निरपेक्ष शासन और धर्म सापेक्ष, yes, इन दोनों में क्या अंतर है? सर धर्म निरपेक्षता को वेस्टर्न कंट्रीज में अलग तरह से बताया गया है, वहाँ इसका अर्थ अलग निकाला जाता है और इंडियन परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ अलग निकाला जाता है। ये सर मैं पहले वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूँ तो वहाँ पर शासन उस राष्ट्र का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। राज्य सरकार या राज्य अपने आप को धार्मिक मामलों से अलग रखेगा एवं किसी भी धर्म को राज्य मान्यता प्रदान नहीं करेगा। जबकि इंडियन परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उस राज्य का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा जो कि पश्चिमी जो भी पश्चिमी धर्म निरपेक्षता उससे संबंधित। भारत की क्या स्थिति इस समय? यस सर, भारत इस समय पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य, यस सर। तो हमारे इस देश में धर्म पर कभी कभार कुछ दंगे हुए हैं क्या? यस सर। कभी जब दंगे होते हैं तो आप SDM के रूप में, यस, कहीं झुकाव रहता है किसी धर्म विशेष पर या निरपेक्ष रहोगे? सर मैं निरपेक्ष रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप धौलपुर के रहने वाले हैं? यस सर। एकीकरण के समय धौलपुर की क्या स्थिति थी? सर धौलपुर ने मत्स्य संघ का जो राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण था, मत्स्य संघ का निर्माण, उसमें धौलपुर शामिल हुआ था। यद्यपि ऐसा कहा जा रहा था कि धौलपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनेगा लेकिन फिर वो राजस्थान में ही शामिल हुआ। धौलपुर के शासक कौन थे उस समय? सर उदयभान सिंह। तो क्या उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे या उनकी मनसा कुछ और थी? नहीं सर, इससे पहले जब अंग्रेजों की माउंटबेटन योजना आई थी उसमें कहा गया था कि रियासतें स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो इससे पहले तो वो भारत में ही शामिल होना नहीं चाहते थे। बबलू, यस मैम, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं? यस मैम। क्या क्या पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में? मैम दैनिक भास्कर में जो न्यूज आती है उनको पढ़ता हूँ और जो राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं समय समय पर लॉन्च की जाती हैं मैं उनको। कौन कौन से सोर्सेज हैं न्यूज़पेपर के अलावा जिससे आपको करंट की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है? मैम यूट्यूब के माध्यम से जो समाचार प्रकाशित किए जाते हैं वहाँ से, यानी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके द्वारा, फेसबुक के माध्यम से भी न्यूज प्राप्त की जा सकती। चलिए एक बात मुझे बताइए कि आजकल साइंटिस्ट का इतना ज्यादा ध्यान क्यों खींच रहा है वीनस? वीनस ग्रह के लिए सारे साइंटिस्ट वर्क करना चाह रहे हैं। yes. कोई खास कारण होगा ना कि इतने सारे ग्रह में से सब में से वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होके उसी के लिए ध्यान खींचा जा रहा है, क्यों?
मैम, एक तो जो वीनस है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, और उसका जो घूर्णन काल है और उसका परिक्रमण काल है वो पृथ्वी से समानता रखता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी से काफ़ी समानता रखने के कारण यदि हम वीनस के बारे में इन्फॉर्मेशन एकत्रित कर लेते हैं तो पृथ्वी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन एकत्रित हो जाएंगी, और वहाँ जीवन की संभावना, जो चूंकि पृथ्वी के समान एटमोसफियर है वहाँ का, तो वहाँ जीवन की संभावना भी अधिक होंगी। क्या वीनस इसलिए पर क्लाइमेट चेंज है? मैम, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, वहाँ उस बताया गया था सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा वहाँ पर अधिक पाई गई है। अच्छा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होता क्या है? हम अपने सराउंडिंग्स के एस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? मैम, जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है उससे अधिक टेम्परेचर यदि हो जाए तो जो मौसम का जो चक्र है, ऋतु परिवर्तन है, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, नए नए बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं। तो टेम्परेचर का परिवर्तन ही मैं क्लाइमेट चेंज मानता हूँ। तो क्या ये जो कोरोना वगैरह अभी जो नई आई हैं बीमारियां, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं? हाँ मैम, मैं क्लाइमेट चेंज अभी एक्चुअली मैम, इस पर दो बातें चल रही हैं कि वो वुहान लीक थ्योरी भी इस समय चर्चा में है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से नए नए वायरसेज आ रहे हैं, ये बात भी सही है। आप अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैम, स्कूल में तो मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं। यस। क्या नया आप अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो बाकी टीचर्स से अलग हो और आपके स्टूडेंट्स को साइंस ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए? मैम, उसके लिए एक तो मैं साइंस को करंट से जोड़ के पढ़ाता हूँ, जो भी घटनाएं हैं उसके हिसाब से, और एक मैम, अगर उस पर कोई यूट्यूब पर कंटेंट डला हुआ है तो उसे मैं गतिविधि आधारित शिक्षण में लेके उनको वीडियो के माध्यम से उनको दिखाता हूँ, जिससे वो और अधिक तरीके से उस कंसेप्ट क्या को आपके समझते मन में रहे। कभी ये नहीं आया कि आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलें जिसमें ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कराकर उस लेवल के बच्चों को जिनको आप पढ़ाते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझाई जा सके? हाँ मैम, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और मैंने वहाँ पर 5-6 वीडियो भी डाल रखी हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस के। तो क्या साइंस के लिए ऐसा कुछ सोचा है आपने, आपके स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि आजकल ऑनलाइन टीचिंग है और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और यूट्यूब के संपर्क में है, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? मैंने सोचा था, लेकिन क्या कि एक दूसरा जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट थी तो वहाँ पर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था तो उसने मुझे इनवाइट किया, तो लेकिन उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस की आप वीडियो बनाओ, तो वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था, तो मैंने वही चूज़ किया। आप टीचर का इतना बढ़िया जॉब है, उसको क्यों छोड़ना चाहते हो? सर, जो भी विकल्प हैं उनमें से हर एक व्यक्ति जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उसको चुनता है, तो आरएएस ये जो सेवा है उसमें एक तो सर डायमेंशन बहुत अधिक है, मैं इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर पाऊंगा और उसके साथ साथ समाज की अन्य जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या समाज कल्याण की योजनाओं को प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इन क्षेत्रों में भी सर मैं कार्य कर पाऊंगा। तो एक तो यहाँ सर मेरा दायरा बढ़ जाएगा, और दूसरा सर या ये सामाजिक पृष्ठभूमि भी, इसकी सामाजिक जो मान्यताएं हैं वो भी अधिक हैं, पावर भी अधिक है, वेतन भी अधिक है, तो सर मैं तो यहाँ टीचर में से यहाँ अगर मैं आता हूँ तो शिक्षा क्षेत्र को बिना कोई नुकसान पहुँचाए हुए और मैं यहाँ सर ज्वाइन कर सकता हूँ। अब जैसे आपके सब्जेक्ट साइंस के रहे, यस सर। उसके बाद में आपने पॉलिटिकल साइंस में आपने पीजी किया, यस सर। है ना? अब विज्ञान जो है वो निष्ठुर व्यक्ति को दृष्टिकोण देती है, निष्ठुर या संवेदन शून्य बना देती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जबकि एक प्रशासक यदि इन चीजों को अप्लाई करे तो ठीक नहीं है। आप कैसे बैलेंस बनाएंगे? सर, एक प्रशासक का जो एक गुण होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शलिटी भी है। हालांकि ये बात भी सही है कि उसमें संवेदनाएं भी होनी चाहिए, और वो उस स्तर पर, जिस स्तर पर समाज के लोग समस्या महसूस कर रहे हैं उस स्तर पर जाके उन संवेदनाओं को ग्रहण करें। तो सर मैं वस्तुनिष्ठता और इम्पार्शलिटी के लिए साइंस जो मैंने पढ़ी है उससे मैं ये दो गुण मैं आरएएस में इम्प्लीमेंट करूँगा। और सर रही बात संवेदनाओं की, तो उसके साथ सर मैंने बचपन में ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मैंने, और मैंने गरीबी भी को भी देखा है, तो इस स्थिति से मुझे नहीं लगता कि विज्ञान ने मुझे संवेदन शून्य बना दिया है, संवेदनाएं भी हैं। आप आरएएस बनना चाहते हैं और पॉलिटिकल के स्टूडेंट भी है, एक राजा कैसा होना चाहिए और उसके प्रशासनिक अधिकारी कैसे होने चाहिए, उस बारे में भारतीय संदर्भ खूब सारे हैं। एक संदर्भ आता है जो
जो राजा को डायरेक्शन देता है वो संदर्भ क्या है, वो वर्तमान में क्यों उपयोग, वो बताना है। जासु राज प्रिय दुखारी सोन रब अवसी नरक अधिकारी, एक गाइडलाइन है धर्मशास्त्र। तो वो कौन से शास्त्र की ये गाइडलाइन है सर? ये इसकी जो लैंग्वेज है उससे तो मुझे ऐसा लगता है ये रामायण से लिया गया है, लेकिन मैं इस बारे में तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका मुझे अर्थ समझ में आ रहा है। और इस ये जो लाइन है वो केवल जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करती है और कहती है कि राजा का एकमात्र धर्म जन कल्याण करना है, यदि वह ऐसा करने में सफल रहा तो वह राजा कहलाने के योग्य है, अन्यथा वह नरक में जाने के योग्य है, यानी वो उस पद के लायक नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा लोकतंत्र की खूबसूरत जो परिभाषा है जो हमारे भारत में पहले से ही थी, बल्कि लोकतंत्र पहले से ही मौजूद था, राइट? फिर ऐसा क्यों कि संविधान में जो है कि लोकतंत्र हमने उस देश से लिया, वो अधिकारों की बात उस देश से ली, इसका मतलब अपने संविधान को कहीं लोग एक प्रकार का जुगाड़ तो नहीं कह रहे? सर ये बात सही है कि हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है और वहाँ से कई चीज़ें ली गई हैं, लेकिन सर मेरा मानना है कि जो चीज़ें वहाँ बाहर से हमने ली हैं अपने संविधान में, उनको हमने अपने वातावरण, अपने समाज और अपनी राजनीतिक स्थिति और अपने जो जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार परिवर्तित भी किया है। जो चीज़ें ली है क्या उस प्रकार के राइट या अधिकार क्या भारत के अतीत के किसी भी शासन प्रणाली में नहीं देखने को मिलता क्या प्राचीन भारत के? सर कुछ मिलते हैं सर, जैसे धर्मनिरपेक्षता है वो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से मिलती है सर। सभा या समिति के आधार पर राजा कार्य करेगा, ये भी ऐसी व्यवस्था है। ऐसी कौन सी चीज जो है संविधान में जो बाहर से ली है और जो हमारे अतीत में नहीं थी कभी? सर जाति को आप एक व्यवस्था मानते हैं कि समस्या? सर पहले सर जाति एक व्यवस्था थी, लेकिन अब सर वो जाति एक समस्या बन गई है, क्योंकि उसमें पहले के अनुसार जो जाति डिवाइडेशन था वो अब उस अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए सर मैं वर्तमान में से एक समस्या मानता हूँ। तो समाधान क्या है सर? इसका एक होलिस्टिक अप्रोच सर इसको अपनानी पड़ेगी, तभी ये व्यवस्था। वो बताइए वो दृष्टिकोण क्या है सर? इसके लिए एक तो सर अंतर जातीय विवाह को मान्यता देनी होगी। समाज मानसिक रूप से तैयार है? नहीं है सर, इसके लिए मैं और भी बहुत सी योजनाएं हैं और भी बहुत से एक्शन लिए जाएंगे जिनके आधार पर पूरा एक सिस्टम के तहत एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत इसको हटाया जाएगा। उसके लिए सर समाज में सबसे पहले कानून व्यवस्था के माध्यम से उनको आरक्षण वगैरह दे के या फिर किसी अन्य सरकारी योजना के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा जो समाज के निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं। इसके साथ ही जब फिर उसके बाद अंतरजातीय विवाह स्टार्ट होंगे और उससे धीरे धीरे करके समाज का माइंडसेट चेंज होगा, तभी सर ये जाति व्यवस्था पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यस सर, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी टीचिंग है और समस्या समाधान के लिए योजनाओं का निर्माण करना, दो हॉबी हैं सर। समस्या समाधान के लिए योजना निर्माण करना। तो क्या समस्या विद्यार्थियों की सुलझाते हो या समाज की भी सुलझाते हो? सर मैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे उसमें उसे सुलझाने में बहुत इंटरेस्ट आता है और कई मामलों में सफल भी हुआ हूँ, तो मुझे ये चीज़ें चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं। तो बहुत बार कहते हैं कि जो टीचर है मास्टर है गाँव में वो पंचायत ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते नहीं है, कहीं इसका हिस्सा तो नहीं है समस्याओं का समाधान करना? नहीं सर ऐसा तो नहीं है। अच्छा, यद्यपि ये जो कहते हैं उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कुछ एक टीचर से ऐसा हो सकता है कि जिसमें कोई दो ऐसी समस्याएं बताइए जो जटिल थी और आपने उनको सर सुलझा दिया। यस सर, सर एक समस्या तो ये थी कि बच्चे हमारे स्कूल में जब मैं यूपीएस स्कूल में था तब बच्चे वहाँ से ड्रॉप आउट होते थे, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, तो मैंने वो वहाँ का जो प्रधानाध्यापक था उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसी ऐसी बात है सर, तो मैंने वहाँ पर एक वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था, तो वो धीरे धीरे करके वो उसमें बच्चों में इतना रुझान हो गया कि फिर बच्चे रेस्ट के टाइम पर ये तो हमने योजना बनाई थी। यस, एक बोल बताइए जो जटिल समस्या थी जिसे आपने सुलझाया था, ये तो योजना थी बच्चों को रोकने की। यस सर, एक बार सर ऐसे ही घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो उस प्रॉब्लम को रिड्रेस करने के लिए मुझे बुलाया गया था, तो फिर मैंने उस प्रॉब्लम को रिड्रेस किया था। तो गांव में
बहुत सारे गांव में तो ये कहा जाता है कि ज्यादातर लड़ाई झगड़े हैं वो टीचर करवाते हैं, क्या ये सही है? नहीं सर, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते? चलिए आप ये बताइए, यदि आपको साक्षात ईश्वर दर्शन दे दे, क्या वरदान मांगोगे? सर मैं तो यही मांगूंगा कि मेरी जो भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के अनुरूप मुझे ईश्वर अवसर प्रदान करे और मुझे उन क्षमताओं के आधार पर उस समस्या से लड़ने के लिए संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करे ताकि मैं अपनी समस्त क्षमताओं से। लेकिन ईश्वर तो इतना बहुत, उसके लिए तो लाखों करोड़ों इतना टाइम नहीं है ना कि भाई क्षमताओं का पता करेगा। आप, मैं मांग कह रहा हूँ, क्या मांगना चाहते हो? सर मैं तो यस, ये जो मैस्लो का सर सिद्धांत था उसमें जो लास्ट स्टेज था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं चाहता हूँ सर कि मैं अपने आसपास के जो भी कॉन्टेक्ट के मेरे भाई बंधु हैं उनमें मैं सर टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, यस सर। योजना, बहुत अच्छा शब्द है। यस सर, भारत में इस समय कौन सी योजना आपको सबसे अच्छी लग रही है कि सर ये योजना बहुत अच्छी चल रही शासन की? सर अभी राजस्थान सरकार द्वारा जो योजना स्टार्ट की है चिरंजीवी योजना, वो सर मैं, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। केंद्र के द्वारा भी कुछ इस तरह की योजना है? हाँ सर, ये चिरंजीवी योजना के समान आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की भी है। अच्छा अच्छा, धौलपुर के आप रहने वाले हैं, वहाँ पर जितना भी दंगा फसाद समस्या है सब जानते हो, तो आप बस लास्ट सवाल ये बताइए कि हमारे भारत की कोई दो सामाजिक समस्याएं जो आपको चुभती हो, आप मतलब उनको दूर करना चाहते हैं? सर एक तो सर घरेलू हिंसा वाली समस्या और दूसरी सर दहेज प्रथा, ये दो समस्याएं मैं दूर करना चाहता हूँ। दहेज एक रीत रिवाज है या क्या है ये? ये सर अब तो ये पहले रीति रिवाज ही था, कुछ लोग करते थे, लेकिन अब तो ये एक परंपरा बन चुका है और समाज ने अपनी इसको अपनी पृष्ठभूमि से जोड़ लिया है और जहां भी दहेज जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती वहां लोग बाग उस व्यक्ति को। आप एक अधिकारी के रूप में अपने क्षेत्र विशेष में कभी अवसर मिले आपको तो क्या दहेज को खत्म करने के लिए आप कोई एक उपाय बताइए जिससे ये हल हो सकता है? सर इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि उस समाज के, जिस समाज में मैं कार्य कर रहा हूँ, उस समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया जाए और इसके संबंध में जानकारी दी जाए एवं उनमें से किसी एक को भी अगर मैं अपने पक्ष में ले लेता हूँ और उसे ऐसी कोई शादी करवा लेता हूँ तो उसे एज ए रोल मॉडल मैं पूरे समाज में उसको फैलाऊंगा। तो जब तक समाज का दृष्टिकोण इस प्रथा से चेंज नहीं होगा तब तक सर मैं मानता हूँ। लड़कियों की शिक्षा पर जोर नहीं दोगे क्या सर? यदि कोई लड़की है और वो खुद सर्विस में आ जाती है तो शायद हो सकता है वो खुद ही निर्णय ले ले। सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ओके, थैंक यू।